हेलो बच्चों, मैं ऋषभ अपने YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। ये है आपकी वर्कशीट नंबर 42, जिसकी डेट है 10 अक्टूबर 2020। सब्जेक्ट है आपका सोशल साइंस, जो कि इंग्लिश मीडियम में है। हिंदी मीडियम में भी मैंने अपने चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस में डाला हुआ है, तो आप देख सकते हो यूट्यूब के अंदर। क्लास है बच्चों आपकी 9। एज यूजल आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है और यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको अपने क्लास टीचर का नाम लिखना है। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। जो टॉपिक है हमारा वो है जुडिशरी, जिसको हम बोलते हैं न्यायपालिका। सो बेसिकली इसको स्टार्ट करने से पहले आप सब्सक्राइब करिए विद बेल आइकन, जिससे कि फ्यूचर में जो भी मैं वीडियो डालूँ आपको तुरंत आपके मोबाइल पे पहुंच जाए। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। जो टॉपिक है हमारा न्यायपालिका जुडिशरी, ऑल द कोर्ट्स एट डिफरेंट लेवल इन ए कंट्री पुट टुगेदर ऑल कॉल्ड जुडिशरी। तो यहाँ पर हमारे देश के अंदर भारत में विभिन्न स्तरों पर मौजूद अदालतों को सामूहिक रूप में ही कहा जाता है न्यायपालिका। इट कंसिस्ट ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट फॉर द एंटायर नेशन, हाई कोर्ट इन द स्टेट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड द कोर्ट एट द लोकल लेवल। इसके अंदर न्यायपालिका में जो सर्वोच्च न्यायालय आता है, जिसको हाई सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं, हाई कोर्ट का मतलब होता है राज्यों में उच्च न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का मतलब होता है जिला न्यायालय, और होता है हमारा स्थानीय स्तर के न्यायालय जो कि लोकल लेवल पे होते हैं। इंडिया हैज एन इंटीग्रेटेड जुडिशरी, दैट मींस द सुप्रीम कोर्ट कंट्रोल द जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन इन द कंट्री। सो बेसिकली यहाँ पर जितने भी जो देश की सभी अदालतों को सर्वोच्च न्यायालय का फैसला मानना होता है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ द इंडिया कैन हियर एनी ऑफ दिस डिस्प्यूट। कौन कौन से केसेस या विवाद को ये सुन सकती है, जैसे कि डिस्प्यूट बिटवीन सिटीजन ऑफ द कंट्री, आपस में लोगों के नागरिकों के बीच का विवाद, और डिस्प्यूट बिटवीन सिटीजन एंड गवर्नमेंट, नागरिक और सरकार के बीच का विवाद, डिस्प्यूट बिटवीन टू और मोर स्टेट गवर्नमेंट, जो विवाद होता है दो या दो से अधिक राज्य सरकारों का, डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट, केंद्र और राज्य सरकार के बीच का डिस्प्यूट, और इट इज द अपेक्स बॉडी ऑफ अपील इन द क्रिमिनल एंड सिविल केसेस। यह फौजदारी और दीवानी मामलों में भी अपील के लिए सर्वोच्च संस्था है। इट कैन ऑल्सो हियर अबाउट द हाई कोर्ट वर्डिक्ट, यह उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ भी सुनवाई कर सकता है। ठीक है बच्चों, तो ये था आपके जो विवाद थे जो उसके अंडर आते हैं, किसके अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर। नेक्स्ट है बच्चों इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का मतलब है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। This means that judiciary doesn't function under the control of legislature or the executive. इसका मतलब यह है कि न्यायपालिका विधायिका या कार्यपालिका के नियंत्रण में काम नहीं करती। Therefore, court are not subject to the legislature and the executive in all the modern democratic country. इसीलिए जो इसी वजह से सभी आधुनिक लोकतांत्रिक देशों में अदालतें विधायिका और कार्यपालिका के अधीन नहीं होती। द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट द जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट ऑफ द कंट्री। जो राष्ट्रपति जी हैं वो अपॉइंट करते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के जजेज होते हैं और हाई कोर्ट के जजेज होते हैं। नॉर्मली ओनली द मोस्ट सीनियर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस। जो अमूमन सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को ही प्रमुख न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। Once a person is appointed as a judge of the Supreme Court or High Court, it become almost impossible to remove him from his post. एक बार अगर अपॉइंट हो जाता है कोई भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जज, तो उसको उसकी पोजीशन से हटाना बहुत ही impossible, असंभव जैसा होता है। A motion of non-confidence has to pass by a separate two-third party majority in both houses of parliament to remove any judge. सो बेसिकली अगर सर्वोच्च न्यायालय ने मतलब यहाँ पर बताया गया है किसी भी न्यायाधीश को हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों में अलग अलग दो तिहाई बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित करना होता है, तब वो रिमूव होते हैं। द जुडिशरी एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, न्यायपालिका और भारत का संविधान वो पढ़ते हैं बच्चों। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट हैव द राइट टू इंटरप्रिटेट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को देश के संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है। इफ द जुडिशरी फील्स दैट एनी लेजिस्लेशन ऑफ द लेजिस्लेचर और एनी एग्जीक्यूटिव एक्शन इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, इट कैन डिक्लेयर
सच लीगल एक्शन इनवैलिड एट द सेंटर एंड द स्टेट लेवल। अगर न्यायपालिका को लगता है कि विधायिका का कोई कानून या कार्यपालिका की कोई भी कार्यवाही संविधान के खिलाफ है तो वह केंद्र और राज्य स्तर पर ऐसे कानूनी कार्रवाई को अमान्य घोषित कर सकता है। इन दिस वे इफ ए लॉ और एग्जीक्यूटिव एक्शन इज चैलेंज देन द सुप्रीम कोर्ट डिसाइड इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी। अगर इस तरह किसी कानून या कार्यपालिका की कार्रवाई को चुनौती मिलती है तो सर्वोच्च न्यायालय उसकी संवैधानिक वैधता तय करता है। वी नो दैट द जुडिशियल रिव्यू द सुप्रीम कोर्ट हैज ऑल्सो रूल्ड द पार्लियामेंट कांट चेंज द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी फैसला किया कि संसद संविधान के मूलभूत सिद्धांतों में बदलाव नहीं ला सकती। ठीक है बच्चों, लास्ट पैराग्राफ है जुडिशरी एंड द फंडामेंटल राइट्स, न्यायपालिका और मौलिक अधिकार। नेक्स्ट है द इंडियन जुडिशरी प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन। भारतीय न्यायपालिका नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है। दैट इज सिटीजन कैन ऑल्सो गो टू कोर्ट इफ द राइट्स आर वायलेटेड। यानी नागरिक अपने अधिकारों के उल्लंघन होने पर न्यायालय भी जा सकते हैं। इन रिसेंट ईयर द कोर्ट हैव बीन वेरियस डिसीजन एंड डायरेक्शन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट एंड द ह्यूमन राइट। हाल ही के वर्षों में अदालतों ने सार्वजनिक हित और मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए विभिन्न फैसले और निर्देश दिए हैं। फॉर दिस रीजन पीपल ट्रस्ट द जुडिशरी अलोन। इसी वजह से लोगों में न्यायपालिका पर काफी विश्वास करते हैं। ठीक है बच्चों, ये थी आपकी कंप्लीट डिटेल जो कि हमने डिस्कस की। अब हम डिस्कस करते हैं इनके क्वेश्चन एंड आंसर। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज जुडिशरी विच कोर्ट आर इंक्लूडेड इन इट। तो बच्चों हमने देखा था जुडिशरी का मतलब क्या है, वही हम यहाँ पर लिख रहे हैं। ऑल द कोर्ट्स एट डिफरेंट लेवल इन ए कंट्री पुट टुगेदर आर कॉल्ड जुडिशरी। तो ये हमने ऊपर वाली लाइन में समझा भी था इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब यही है बहुत ही सिंपल वे में कि एक देश भारत में विभिन्न स्तरों पर मौजूद अदालतों को सामूहिक रूप से न्यायपालिका कहा जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड द कोर्ट एट द लोकल लेवल। इसके अंदर क्या क्या आते हैं, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय और स्थानीय स्तर के न्यायालय शामिल है। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों जिसका आंसर मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है व्हाट मैटर्स आर हियर्ड इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द इंडिया। कौन से मैटर जो है सुप्रीम कोर्ट के अंडर आते हैं जो वो सुनते हैं। सुप्रीम कोर्ट कैन हियर एनी ऑफ दिस द डिस्प्यूट। जब ऊपर हमने पढ़े थे डिस्प्यूट जो है सिटीजन ऑफ द कंट्री एंड डिस्प्यूट बिटवीन सिटीजन एंड गवर्नमेंट। सेकंड था डिस्प्यूट बिटवीन टू और मोर स्टेट गवर्नमेंट। तीसरा था डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट। चौथा था इट इज द अपेक्स बॉडी फॉर अपील इन द क्रिमिनल एंड सिविल केसेज। एंड द लास्ट वन इज द इट कैन ऑल्सो हियर अगेंस्ट द हाई कोर्ट वर्डिक्ट। ठीक है बच्चों, तो ये थे इसके क्वेश्चन के आंसर। उसके बाद है तीसरा क्वेश्चन हाउ डज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी वर्क। किस तरह से जो हमारी न्यायपालिका है वो किस तरह से वर्क करती है। तो यहाँ पर इंडिपेंडेंटली न्यायपालिका वर्क करती है तो वो देखते हैं बच्चों। जुडिशरी डजंट फंक्शन अंडर द कंट्रोल ऑफ द लेजिस्लेचर और द एग्जीक्यूटिव। न्यायपालिका विधायिका या कार्यपालिका के नियंत्रण में कार्य नहीं करती बल्कि द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट द जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट ऑफ द कंट्री। तो यहाँ पर जो राष्ट्रपति जी हैं हमारे देश के इंडिया के वो अपॉइंट करते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज एंड हाई कोर्ट के जज। अगर एक बार अपॉइंट हो जाते हैं तो उनको हटाना एक तरह के असंभव माना जाता है। ठीक है बच्चों, चौथा प्रश्न है क्वेश्चन इन योर ओपिनियन व्हाई जुडिशरी इज नेसेसरी फॉर सेफ गार्डिंग द सिटीजन राइट। आपके हिसाब से क्यों न्यायपालिका जरूरी है सिटीजन राइट के लिए। तो यहाँ पर हम दे रहे हैं आंसर फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजन एंड द प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट एंड ह्यूमन राइट जुडिशरी इज नेसेसरी। लास्ट पैराग्राफ में बच्चों बताया गया था नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा और जनहित मानव अधिकारों की सुरक्षा के लिए न्यायपालिका बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। क्योंकि इसमें क्या है कि किसी को भी अगर ये लगता है कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है तो वो कम से कम वहाँ पर जा सकता है और अपने राइट्स को न्यायपालिका के सामने रख सकता है। ठीक है बच्चों, तो ये थी आपकी कंप्लीट वर्कशीट विद क्वेश्चन एंड आंसर। इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम में भी आप देख सकते हो ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस के अंदर। तो जल्दी से बच्चों अगर आपको समझ में आई है वीडियो तो लाइक करिए,
अगर आप न्यू यूजर है तो सब्सक्राइब करिए विद बेल आइकन, जिससे कि फ्यूचर में आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और फाइनली बच्चों, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे कि सभी बच्चे कम्प्लीटली टाइमली वर्कशीट को कर पाए। मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए थैंक यू।